हेलो फ्रेंड, टेक्निकल आवाज में आपका स्वागत है। आज इसमें डिश टीवी का बॉक्स आता है हमारा पुराना वाला, ये कबाड़े से लाया हूँ। कबाड़े वाला नहीं, कार्ड वाले को तो सबको तोड़ दिया, हमारे कुछ काम का भी नहीं था। और हम इसका स्पैनल भी लेके आए हैं फ्रेंड्स। आज हम इसमें एक म्यूजिक एम्पलीफायर बना के दिखाएंगे आपको। इसमें हमने जो कबाड़े में से स्क्रैप लाए थे, वो जैसे राजेश रेड्डीज वाले टेप लाए थे, हम उसमें से कुछ कार्ड वार्ड निकाल कर हम आज जुगाड़ करेंगे। आज हमारे पास फ्रेंड्स ये था बोर्ड, जितने वाला जितने बोर्ड वाला, हम इस बोर्ड में से हम ये वो लेने चलेंगे। इसके बोर्ड में निकाल लिया हमने फ्रेंड्स, और हम इसमें वॉल्यूम निकाल लिया। और हमें वॉल्यूम भी चाहिए, एक वॉल्यूम बढ़िया वाला, इसमें तो इतनी राम है ढंग का। ये वॉल्यूम हम खोल लेंगे वाला। ये वाला कार्ड था, हमने इसमें कार्ड लगा दिखाया था। क्या करेंगे, इस कार्ड को खोलेंगे। इस पूरे कार्ड को खोलने को खोल देंगे। फ्रेंड्स, हमारे जिसको बाड़े के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसमें हमेशा कोई आईसी खराब होती है, कोई का कार्ड खराब होता है, किसी का आईसी खराब होती है तो किसी का कार्ड खराब होता है, किसका बेस टेबल से होता है तो किसी का कैसे होता है, हम चेक कर यूज में ले सकते हैं चीजें। ये पुरानी राजेश रेडर्स वाला कार्ड बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। इसको निकालना फ्रेंड्स, ये पेन निकाल लिया फ्रेंड्स। सेफ्टी से निकालना है हमें बहुत, क्योंकि हमें ये पेन यूज में लेना वापस। इस पेनल को हमें चेक करना है वापस, निकालना है हमें इस पेनल को। वोल्ट का चार्ज लेना हमें फ्रेंड्स, रेड को रेड में, ब्लैक को ब्लैक में। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस पेंडल को इसके अंदर चिपकाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर यहाँ से भी फेविक्विक लेंगे हम, यहाँ पर डाल देंगे इसके ऊपर। और हमारे पास जो पेंडल है इसको सीधा ऐसे सीधा इसको ऐसे लगा देना फ्रेंड्स, थोड़ी दूर तक पकड़ के लेना, सूख दे देना है। इस पेंडल के सूखने के बाद में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये ग्राउंड वायर था इसके कनेक्टिंग, ग्राउंड वायर यहाँ से कनेक्ट करना है हमें, और हमें यहाँ पर ग्राउंड वायर लगाना है फ्रेंड्स इसके साथ में। इस पैनल के अंदर जो ये सेंसर होता है हमारा रिमोट सेंसर, इसके जो ये ग्राउंड था
इसका एक ग्राउंड वायर यहाँ से लेना, हमने जी लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ से लेना और यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करना है। तो हम पहले ये वायर कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक ग्राउंड वायर लगा देंगे, हमें लगाएंगे इसकी ग्राउंड वायर। इधर ग्राउंड में लगा लिया, इसका पॉजिटिव वायर इसमें लगा लिया, यहाँ पे भी देख लेंगे और इसको भी चिपका देंगे फ्रेंड्स। जब तक हम बेस स्टेबल बोर्ड रेडी कर देते हैं, ये एम्पलीफायर बोर्ड रेडी कर देते हैं, हमारे क्या सिस्टम इसके बोर्ड का, ये इसके इनपुट है कार्ड के, ये हमारे इसके हम इसके ये बेस के हो गए, ये ट्रेबल के हो गए, ये हमारे टूटे हुए, इनको हम अच्छी तरह से लगाएंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बेस टेबल निकालेंगे, इसके बेस टेबल हमें अच्छे लग रहे हैं, ये इसके बोर्ड के बेस टेबल निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से सही लगे हुए वायर में, इसको कम साइड में रखेंगे, ये दोनों वायर ये जैसे लगे हुए फ्रेंड्स उसी साइड में लगाने में, जैसे इसका ग्राउंड है ये पिस्टन, ये ऐसे ग्राउंड, ये गुलाबी में लगा हुआ है ऐसे वायर, जैसे हमारे इसके अंदर लगे हुए हैं ये उसी तरह में इसमें लगा लें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम लगा लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं। एक साइड तो वायर जोड़ दिया हमने फ्रेंड्स, और इधर की साइड पे हम वायर येलो वायर है, येलो वायर जैसे जुड़ा हुआ फ्रेंड्स, येलो फिर ग्रीन जुड़ा हुआ फिर नीला जुड़ा हुआ है, हम ऐसे ही इसके येलो ग्रीन वायर ऐसे जोड़ देंगे फ्रेंड्स, ऐसे कैसे वायर को हम यहाँ लगा देंगे। ये वायर हमारे फ्रेंड्स इसके भी वायर टूटे हुए हैं, हम क्या करेंगे इसकी जगह हम दूसरा वॉल्यूम लगाएंगे, ये हमने निकाला, इसका सेम प्रोसेस है, जैसे ये वॉल्यूम लगा हुआ हमारे वाइट लगा हुआ है, ग्रे लगा हुआ है, इसमें वाइट में हम ये लगाएंगे ऑरेंज। हमने इसकी वायरिंग कर दी है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे इसके वॉल्यूम की इनपुट वाली वायरिंग करेंगे। इनपुट वाली वायरिंग के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, ये ग्राउंड वायर है दोनों फ्रेंड्स, येलो वो ब्लू ग्राउंड वायर है, येलो और ब्लू ये हमारे ग्राउंड हो जाएंगे, और हमारे इसके इनपुट ग्राउंड वायर हमारे, इधर हम पोटेंशियोमीटर में ये ग्राउंड लगाते हैं पहले, फिर बाद में इनपुट लगाते हैं, फिर आउटपुट लगाते हैं, तो ये हमारे ग्राउंड वायर हो गए, हम ये ब्लैक वायर लगा हुआ है, पीला और नीला ग्राउंड कर देंगे हम, ये दोनों ग्राउंड हो गए, ये इनपुट हो गया, ये ग्रीन वाला इनपुट हो गया, ये ग्रीन वाला इनपुट हो गया, और ये भी इनपुट हो गया, और ये वाइट और जो सलेटी है ये जो इसके इसके एयरफोन के ये ऑडियो किट के इनपुट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके लगाएंगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है फ्रेंड्स, ये दोनों वायर ग्राउंड हो गए, इसके येलो और ब्लू वायर दोनों ग्राउंड हो गए, येलो और ब्लू वायर को हम ग्राउंड कर देंगे, ये इसका इनपुट हो जाएगा पोटेंशियोमीटर को, और ये आउटपुट हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के, दोनों वायर आउटपुट हो जाएंगे, तो ये हम इसको लगाएंगे, ये ग्राउंड वायर है दोनों हमारे, ग्राउंड वायर हमारे इस बोर्ड में देखने जो हमने इनपुट देना है, ये ग्राउंड वायर हमारे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा,
और ये इसका भी ग्राउंड वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरे चैनल का। और ये इनपुट हमारे चैनल के लिए, ये दोनों इनपुट हैं। हम ये इनपुट यहाँ से दोनों, और यहाँ पर और ये हमारे इसके ये वेजिटेबल बोर्ड के इनपुट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे जिस पहले हमने टाया था ना वहाँ लगाने में ही भाई। और एक वायर ये हमारे यहाँ हो जाएगा, करनी है तो हम स्पीकर की वायरिंग भी करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे स्पीकर की आउटपुट है, तो स्पीकर के में ये लगाएंगे वायरिंग। ये हमारे स्पीकर की वायरिंग लगा दी हमने, इसे स्विच होल्डिंग कर देंगे फ्रेंड्स। हम ये भी लगा देंगे, हमने इसकी वायरिंग कर दी स्पीकर की फ्रेंड्स। अब हम इसे चला के देखेंगे फ्रेंड्स। इसकी जो इनपुट दिया हुआ हमने, ये इनपुट हमारा इसका स्किट का इनपुट दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से इसके निकाल लेंगे। ये इनपुट हो गया, और इसके जो ग्राउंड वायर होता है हमारे, ग्रीन वायर भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम ग्रीन वायर कहाँ से लगाएंगे, कि हमारा ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक वायर पर हम ग्रीन वायर लगा देंगे। जो ग्राउंड होता है वो देना पड़ता है ना किट को ग्राउंड देने के लिए। ये स्पीकर के वायर हो गए हमारे, और ये हमारे इनपुट हो गया, इसको भी करेंगे यहाँ से वायरों को। ये हमारे इसके इनपुट है, ये स्पीकर के वायर हो ही गए। ये हमारे तीन वायर इसके इनपुट, इसको हम इस बोर्ड में फिट करेंगे। ये दो वायर अलग है फ्रेंड्स, और ये दोनों वायर अलग है फ्रेंड्स। स्पीकर के वायरों को हमें याद रखना है फ्रेंड्स, येलो एंड ग्रीन है। ये हमारे स्पीकर के वायर है फ्रेंड्स, इनको अलग रखना है फ्रेंड्स। ये हमारे बेस के, ये ट्रेबल के, ये हमारे वॉल्यूम के हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। वाइसर लेंगे फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो करना हमको इसमें लगाने वाले। हम ऐसा एक वाइसर लेंगे, प्लास से कस देंगे फ्रेंड्स। दूसरा वाले में ना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर करना चाहते हैं फ्रेंड्स।
क्या करनी है हम वो लिख लेंगे फ्रेंड्स ये दूसरे वो लिख लेंगे ठीक है फ्रेंड्स हमने वो लिंक लगा दिया फ्रेंड्स अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम इसकी वायरिंग करेंगे इसके जो ये पिन बने हम ये से सॉकेट लगाएंगे फ्रेंड्स दो स्पीकर के इसलिए दो बार इसको लग गए दो बार इसको लगा देंगे फ्रेंड्स अच्छे से चिपकानी है फ्रेंड्स क्योंकि ये आईसी का मामला है फ्रेंड्स अगर इसकी स्पीकर की आईसी के तार भिड़ स्पीकर के लिए लगाना होगा ऐसे पिन लगा देंगे फ्रेंड्स तो स्पीकर लग जाएगा इधर ना हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इसके जो इसके ये इसके इनपुट इसका इनपुट हो जाएगा ये इसके लिए हमें चार्जर की जरूरत होगी फ्रेंड्स 5 वोल्ट का क्योंकि 5 वोल्ट चार्जर से हम इसको चलाएंगे ये हमारा ये पैनल है हम इसको इसमें यहाँ लगा देंगे इधर से हम इसको कस देंगे फ्रेंड्स दो स्क्रू लेंगे फ्रेंड्स ये दो स्क्रू से हम इसे कस देंगे हम इसके पिन को क्या करेंगे इस पिन में लगा हुआ फ्रेंड्स ये तो मैं इसे इधर लगा देंगे 5 वोल्ट ठीक है फ्रेंड्स करेंगे अब इसे हम ऐसे लगा देंगे इसका इनपुट ये वाला है फ्रेंड्स जो हमें स्पीकर के आउटपुट मिलेंगे वॉल्यूम की सॉन्ग्स के लिए ये हमारे दोनों लेफ्ट और राइट है तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये टोल राइट हो गया इसको वायर को जोड़ देंगे हम एक साथ लेफ्ट और राइट दोनों वायरों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो इनको टेप से लगाएंगे ये हमारा ग्राउंड वायर रहा ये इसमें ग्राउंड वायर आ रहा है फ्रेंड्स ये ग्राउंड वायर है इसके देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड वायर ये रहा इसका ग्राउंड वायर हम यहाँ से इसमें जोड़ देंगे इसको भी ग्राउंड करना पड़ता है ना बोर्ड से जोड़ने के लिए ठीक है फ्रेंड्स हमने ग्राउंड जोड़ दिया अब हम क्या करेंगे इसके भी टेप लगाने को जरूरत नहीं है ग्राउंड वैसे अब हम इसको पैनल को वोल्टेज देना पड़ेगा हमें कितने 5 वोल्ट तो हमें 5 वोल्ट के लिए चार्ज चाहिए होगा फ्रेंड्स अब हम इसे इस बोर्ड को हम चलाएंगे इस ट्रांसफार्मर से इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये लगाया जाएगा इसमें और हमें इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट का चार्ज चाहिए होगा फ्रेंड्स इसे हमें नहीं आएगी बोर्ड में हम लाते हैं 5 वोल्ट का चार्ज क्या करेंगे फ्रेंड्स इसको पैनल को चलाने के लिए इस पैनल को चलाने के लिए हमारे पास ये प्लस माइनस के साइन है इसको क्या करेंगे हम इसको 5 वोल्ट का चार्जर ये रहा हमारे पास में 1 एम्पीयर का चार्जिंग है इसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ये 10 वोल्ट लिखा हुआ तार हट गए थे हमने तार चार्ज खोलते इसमें तो ये माइनस है इधर और इधर प्लस है तो हम ये माइनस की तरफ माइनस लगा देंगे उधर प्लस लगा देंगे वायर ये हमने वायर यहाँ लगाए हैं फ्रेंड्स ये 5 वोल्ट का हुआ फ्रेंड्स यहाँ लगाया हमने वायर फ्रेंड्स ठीक है माइनस और ये प्लस इसके फ्रेंड्स इसको भी हम टेप लगा लेते हैं फ्रेंड्स
जैसे कि ये किट हिले नहीं, इस किट को हम टेप से कवर करेंगे, कोई एड़े बड़े को भिड़े बड़े नहीं फ्रेंड्स। ये हमारे एसी वायर है और ये हमारे डीसी 12 वोल्ट के हैं, तो हम इसको ट्रांसफार्मर के ऐसे कैसे रख देंगे फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स हम बिजली के ऊपर बनाएंगे, तो हमें दो डायोड जो जिसका केतोड़ मिला लेंगे एक समान, और एनोड एनोड एक तरफ मिला लेंगे। तो हमने एक सिल्वर सिल्वर पट्टी दोनों सामने मंगा लिए, 4000 सारे डायोड लेने, 3 एम्पीयर के दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ मिला लिए, दोनों ब्लैक पट्टी एक साथ मिला लिए। अब हमें क्या करना है, ये प्लस हो गया हमारा डीसी, ये प्लस माइनस डीसी, ये डायरेक्ट लगाने में ट्रांसफार होते वायर, दोनों वायर को ये प्लस बचा है फ्रेंड्स, ये प्लस सिल्वर सिल्वर पट्टी दोनों समान मिल रही है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको जो मैं करके दिखाता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, तो हमारे इसमें से ये माइनस ये आ रहा है, किट किट वाले वायर आ रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे ये माइनस वाला वायर है, माइनस वाले वायर को हम इधर दोनों ब्लैक ब्लैक अगर लगा लेंगे, ये प्लस प्लस वाला को इधर लगा लेंगे। हम इसमें कैपेसिटर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे वोल्टेज इसमें डीसी डीसी में हो जाएगा कन्वर्ट, बिल्कुल प्योर डीसी जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ये डायोड लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें वो नहीं लगाया कैपेसिटर, तो डायोड के थ्रू फिल्टर होकर जाएगा, फिर वैसे भी वैसे प्योर हो जाएगा फ्रेंड्स, डीसी जाएगा। अब इसके वायरों को हम इनको इनके साथ में कनेक्ट कर लेंगे चार्जर के वायरों को, इसमें वोल्टेज देख के देखते हैं, चेक करते हैं फ्रेंड्स। इसकी हम केबल लगाएंगे फ्रेंड्स, अब इन वायरों को यहाँ से कनेक्ट, इसको जोड़ लेंगे वायर, इसको रेडी कर दिया फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करेंगे, लाइट में लगाएंगे, हमारे पास ये स्पीकर है फ्रेंड्स, हमने स्पीकर के वायर को लगा दिया, the glass.